इमरती देवी का नामांकन होगा रद्द। मध्य प्रदेश भाजपा में आया भूचाल, मचा हड़कंप। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली इमरती देवी के एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गई हैं। जी हां, ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। जी हां, दरअसल शिकायत में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया है। उन पर 7 अपराध दर्ज हैं। आपको बता दें कि इमरती देवी के खिलाफ 7 मुकदमों में से 6 मुकदमे डबरा सिटी थाने में और 1 मुकदमा पिछोर थाने में दर्ज है। नामांकन निरस्त कर आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता संकेत साहू ने अपनी शिकायत में कहा है कि इमरती देवी पत्नी पूरन सिंह निवासी चिनोर रोड डबरा ने जानबूझकर आपराधिक प्रकरण एवं तथ्य छिपाकर फॉर्म भरने और सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांतों का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि इमरती देवी पर डबरा शहर के थाने में भी अपराध दर्ज है और इसी के साथ साथ 7 जगह उनका अपराध दर्ज है। आपको बता दें, लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125A के तहत शपथ पत्र में तथ्य छिपाकर झूठी जानकारी देना अपराध है। इसके साथ ही रिवॉल्वर की कीमत नामांकन पत्र में कम दर्शाने और शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट न उपलब्ध कराने पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। वहीं डबरा के रिटर्निंग अधिकारी का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के संबंध में शिकायत मिली है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इमरती देवी की भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है, जिससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।